ऐसा मतलब उनके लिए अच्छा सा कोई सॉन्ग प्ले करें, बिकॉज वी जस्ट डू नॉट वांट एनी पीस राइट नाउ ओवर हियर विद द बिगिनिंग ऑफ दिस इवेंट. तो करण, आई एम राइट, करण कोई अच्छा सा ऐसा ट्रैक प्ले कीजिए तब, ताकि सब लोग जो है तब तक रेडी हो जाएं. सर प्लीज आ जाइए, जिन्हें प्यार से आलम भी बुलाया जाता है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. रिक्वेस्ट जहूर आलम सर, प्लीज कम फॉरवर्ड. जहूर आलम सर, वी लाइक टू हैव योर प्रेजेंस विद अस. या प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर हिम. वेरी वार्म वेलकम टू यू सर. ऑलराइट, सो हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट है. राइट नाउ आई एम गेटिंग टू नो दैट वी आर गोइंग टू गेट द कंपनी विद अस टुनाइट और टुडे इवनिंग. हमारे साथ आने वाले हैं जावेद जाफरी, नावेद जाफरी जूनियर, महमूद, विश्वजीत सोनी, रहमान जो कि कॉमेडियन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर हैं, और नवीन प्रभाकर, सुनील पाल, एहसान कुरैशी जी, जीनत कुरैशी जी, राजा हसन सारेगामापा फेम, मुबीन सौदागर, सीमा सिंह जो कि भोजपुरी क्वीन है, पल्लवी शेटी जिनका अभी डेब्यू फिल्म आ रहा है व्हाट्सएप लव एंड वन ऑफ द एल्बम फेस है, फेम फेस है वो, गुलाम गुलफाम कली, जाकिर हुसैन, नाजिया तिवारी, हेमंत बिरजे, मुस्ताक खान और फुजैल. ऑलराइट, अभी हम चाहेंगे हमारे बीच जो हमारे गेस्ट हैं सुनील पाल जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. इनको हमने अक्सर द ग्रेट बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी सर, और इनको हमने अक्सर मतलब काफी वक्त से हमने देखा है आपको कॉमेडी करते हुए, और विनर आप रहे हैं 2005 के द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के शो के. और मैं जानना चाहूंगी इनको किन किन ने देखा, एक बार हाथ ऊपर करके बताएंगे. आई थिंक सब लोगों ने देखा है, और इनकी हाँ मतलब नहीं एक्चुअली सब लोग कैमरा होल्ड करके व्यस्त है अपने हाथ, दे कैन नॉट रेज द हैंड. Alright, so we have experienced और अनुभवी कलाकार हमारे बीच हैं आज, और हम चाहेंगे कि उनको माइक थमाया जाए और उनसे कुछ ना कुछ ऐसा सुना जाए जो हम अक्सर टीवी पर सुनते रहे हैं और स्क्रीन पर देखते रहे हैं इनको कॉमेडी करते हुए. इन्होंने एक्चुअली हमको बड़ा हंसाया है, और हंसाना तो ऐसा काम होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि खून पीने वाले बहुत होते हैं लेकिन खून बनाने वाले बहुत कम होते हैं. सो दे आर वन ऑफ देम. एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका फिर से स्वागत करेंगे हम. और एंड वी हैव मिस्टर डीसी डेविड, द कोरियोग्राफर ऑफ द एल्बम. आप सभी को या प्लीज प्रेजेंस टुगेदर फॉर हिम. या और 11 एल्बम, आई थिंक म्यूजिक इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 11 एल्बम एक साथ और 11 अलग अलग सिंगर्स ने गायकों ने गाई हैं और इतनी अच्छी आवाजों में गाई हैं. आप लोग पोस्टर से अंदाजा लगा सकते हैं, लाइक एवरीबडी हैड यू नो सांग इन दिस सॉन्ग. सो ऑलराइट, सो ये इनकी वाइफ हैं, करता धरता है जो कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे जो है एक औरत का हाथ होता है. सो शी इज द वन. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं. एवरीबॉडी वेरी वार्म वेलकम. आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते. मतलब ऐसा आज शांति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. आई थिंक रादर आई वुड करम हल्का फुल्का म्यूजिक तो यार चलता रहना चाहिए. आज हम 11 गाने और 11 एल्बम्स यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं, इतना बड़ा म्यूजिक लॉन्च इवेंट है. सो डेफिनेटली वी डोंट वांट एनी पीस. सो यस, पल्लवी शेट्टी, यस द वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल. सभी मीडिया के भाई बहनों, सॉरी बहनों गलती से निकल गए. आप सबका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि साहिब आलम की नहीं बल्कि हमारी खुद की घर की महफिल है, आप सबके घर की महफिल है. और ये जो गाने इन्होंने मेहनत से बनाए हैं, साथ में भाभी भी खड़ी हैं, इन दोनों की खासियत है कि ये गाने अच्छे बनाता है और वो खाना अच्छा बनाती है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है. और आप सब लोग जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं इस 11 गानों को आशीर्वाद देने के लिए, और यहाँ पर सबके सब बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय हैं. और ये जो हमारी एंकर साहिबा है, इनके लिए मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही है और बहुत फेमस है ये, आज बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है.
क्या नाम है आपका? सीमा, सॉरी माँ, और इस नाम में सीमा है ना, इसलिए बच्चा बच्चा बदला ले लिया बदला। और पल्लवी जो है इसको मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही टैलेंटेड है, ऐसा ऐसा खुद का मानना है, पर अब हम भी मानने लगे हैं। बहुत अच्छा काम करती है, पल्लवी की फिल्म आ रही है। और सभी के लिए मैं बारी बारी कहता रहूंगा, मैंने आलम से कहा था कि मुझे ही एंकर रख लो, तो उन्होंने मुंह पे कहा कि हमको एंकर चाहिए, भयंकर नहीं। तो आज ये सुंदर सुंदर चेहरों के साथ में काम शुरू हुआ है। गाने बहुत ही प्यारे बने, आप सबने सबको बारी बारी सुनाई देंगे ये गाने, और बहुत ही अच्छे गाने हैं। और आज वो मुबारक दिन आ गया है जिसको हम रिलीज करने जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने कीमती वक्त निकाला इस गाने को, आप जितना आशीर्वाद दे सके, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से किसी भी कलाकार को स्टार बनाया जा सकता है। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, अगर मैं गलत हूं तो बताइए, सिवाय मीडिया के बड़ा नहीं बन सकता। आप तो मीडिया के लिए जोरदार तालियां प्लीज, जितने मीडिया वाले हैं सब जोरदार तालियां, क्योंकि मीडिया के बिना कोई नहीं बन सकता। आप सब मीडिया वालों के लिए हम कलाकार की तरफ से एक ही गाना गाना चाहूंगा, पल्लवी। प्यार कभी कम नहीं करना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जैसे कि आप सबको पता है, ये दुखद खबर हमको पता चली कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे बीच में नहीं है। तो एक मिनट के लिए आप जहाँ भी बैठे हो खड़े हो जाइए, एक मिनट का मौन व्रत रख के हम उनको उस महान आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देंगे। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं नहीं गए, वो रिन्यू होने गए, दोबारा से फिर वापस आएंगे, और वो अटल नाम की तरह अटल है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकते, अटल है वो, दोबारा वापस आएंगे और फिर से हमें नया मार्ग देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन फिर भी उनकी का उनकी आत्मा हमारे साथ में, उनके विचार हमारे साथ में, शरीर के लिए हम एक मिनट के लिए मौन व्रत धारण कर सकते हैं। प्लीज सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं। अरे यार बीच अरे भाई लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं नहीं गए, अटल हमेशा अटल रहेंगे, वो हमेशा इस धरती पर सटल रहेंगे। जोरदार तालियां उनकी आत्मा के लिए, और हम सब उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ रोमांटिक गानों को पेश करने के लिए जा रही है, जोरदार तालियां पल्लवी, सॉरी पल्लवी शेट्टी। क्या कर रही, पल पल आपके पास ही रहती हूँ। जब दोस्त अपना इंट्रोडक्शन करता है तो बहुत अच्छे तरीके से ही करता है। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर मीडिया फ्रेंड्स, एंड हियर आई हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस आवर म्यूजिक एल्बम। थैंक यू आलम जी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि ये जो जिसके लिए हम सभी यहाँ मौजूद है, द टाइम इज हियर, यस वी आर अबाउट टू लॉन्च द फर्स्ट लुक ऑफ दिस म्यूजिक एल्बम, एंड आई होप दैट यू ऑल शावर योर लव एंड ब्लेसिंग्स टू इट। कैन वी हैव द प्रोमो प्लीज? गम बहुत है सीने में, बताऊं या छुपाऊं, खुद से डरता हूं, खुद से क्या कहूं या खुदा से, रोया हूं खुद से, हर जख्म इतना मजबूत सा हो गया है, अब जख्म का पता ही नहीं। लिखने का एक बहाना था, यहाँ आने का ये इशारा था, लिखने का एक बहाना था, यहाँ आने का ये इशारा था, मंजिलें अभी और भी है बाकी, दोस्तों ये सिर्फ अभी तो रास्ते हैं। देखिए सबकी जिंदगी में संघर्ष कुछ ना कुछ होता है, मेरी भी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन सच्चे दिल से ईमानदारी से लगे थे और मालिक ने सुना, और आज आप लोगों ने देखा, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं मैं जिनको काफ़ी टाइम से, शुरू से, बरसों से मैं गुरु मानता हूँ,
उनका नाम है सुनील पाल। मैं उनको शुरू से ही गुरु मानता हूँ और हमेशा मैं चाहे जितना बड़ा बन जाऊँ या जैसा भी रहूँ, लेकिन मेरे गुरु हैं, गुरु ही रहेंगे। और क्योंकि गुरु का आशीर्वाद और गुरु की दुआ एक शिष्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा अपनी वाइफ कमिश्का को, जो हमेशा जिंदगी भर का साथ होता है और सभी हाथों में हाथ होता है। और यहाँ पे आए हुए नमू भाई चाहेंगे कि स्टेज पर आए। और हमारे साथ थे विश्वजीत जी और जहूर आलम, अतीक अजमेरी, कमाल खान, एक संतोष के गुप्ता। आलम को बहुत सारी तालियां से मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। ये ऐसा काम है, ये क्रिएटिव काम है, उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए। डिजाइन, ये गाने बनाने, लिखा इन्होंने है, गानों को पे एक्टिंग इन्होंने की, इस पे कपड़े इन्होंने डिजाइन किया और यहाँ तक ये जो पोस्टर देख रहे हैं ये भी इन्होंने डिजाइन किया। और भाभी के लिए से तालियां, क्यों करने दिया। मैं तो अपनी पत्नी से कहता हूँ, सुनो 5 रुपए को खरीद लू क्या? 5 रुपए खबरदार, 3 रुपए में खरीदो। तो पत्नियां कभी कभी सही भी है, होती है, लेकिन एक दीवानेपन को सपोर्ट करने वाली जो पत्नी होती है वो वही, उसी की वजह से आदमी हिम्मत कर पाता है। तो मुझे लगता है जोड़ी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली है जोड़ी के लिए। और बाकी सब आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आएंगे। जहूर आलम, मैं गलत नहीं तो आप कंपोजर हैं, ये कंपोजिशन इन्हों की है, इन्होंने गानों की कहीं भी पोजीशन कम नहीं होने दी, कम पोजीशन नहीं होने दी, अच्छी कंपोजिशन की। रफीक राजा, ये इसका फर्क पड़े कि मुझे गुरु बोल रहा है। मेरा व्हाट्सएप आपका भी चेक करते हो तो मैं उसमें स्टेटस लिखा हुआ है कि वो मुझे मानता है, ये उसकी मानता है। वो मुझे मानता है, ये उसकी मानता है। तो जितने भी दुनिया में लोग मुझे कुछ भी समझते हैं, ये उन लोगों का फर्क, ये मुझे गुरु जरूर मानता है, लेकिन कुछ मामले में ये मेरा महागुरु है। बनाई उसके 3 फिल्मों को भी मिलाकर 5-6 गाने नहीं निकलेंगे, इससे पहले झटके में 11 गाने बन गए। तो ये तो महागुरु कर सकते हैं। और इनका म्यूजिक बोलता है, जहूर साहब का म्यूजिक बोलता है और ये अपने काम के जरिए बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा काम नहीं बोलता, हम ही बोलते हैं। आलम ने इस गानों को लिखा है और आलम दूसरे आलम ने जिस तरह से म्यूजिक बनाया और तीसरे आलम ने उसमें एक्टिंग की और चौथे आलम ने इसको, ये तो फरहान अख्तर भी नहीं कर सकता भाई। कमाल कर दिया इनको, हालांकि उतना नॉलेज नहीं है जितना जावेद अख्तर, मुझे खुद है। तो यकीन मानिए इनको मैं इनकी विधा सिखा सकता हूँ। तो तुमको सीखना है तो मेरे घर में तब आना जब घर में ना हो शब आना। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं। मूवी सौदागर परिचय की मोहताज नहीं है, जहाँ जहाँ सौदा किया जाता है वहाँ सौदागर का नाम लिया जाता है। प्यारे हमारे मूवीन हमेशा मुँह के बिना आते, लेकिन हम मुँह के साथ में आए, इसी सारे जोक्स करने पड़ते हैं आजकल। आलम के बारे में क्या कहूँ, पूरी दुनिया, पूरी आलम जिनको जानते हैं, म्यूजिक इनका है, इन्होंने म्यूजिक एल्बम बनाया है, लिखा भी है, एक्टिंग भी की है और कॉस्ट्यूम भी इन्होंने बनाया। हमारी बहुत अच्छे दोस्त हैं साहिब आलम, एस आलम, मोहम्मद अकील अंसारी। एक्चुअली इनको प्यार से आलम भाई हम लोग बोलते हैं, तो असली नाम हमें अभी तक नहीं पता था। yes. आज मालूम पड़ा। तो आशिक और जूनियर महमूद साहब को कौन नहीं जानता जी, जी। अब मैं इनको प्यार से सीनियर महमूद कहता हूँ क्योंकि ये नवीन प्रभाकर ने जोरदार तालियां दबाना उन्होंने, नवीन प्रभाकर। और सुनील भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे, गाने आपने सुना कैसा लगा और 11 का जो इनका आंकड़ा है उसके बारे में, 11 का 11 उसके बारे में। 11 जो है हमारे हिंदुस्तान में बड़ा शगुन माना जाता है, चाहे वो संगीत भी पूजा है, म्यूजिक भी पूजा है। तो अगर हम इसको पूजा भी से भी रिलेट करें या संगीत से भी रिलेट करें तो मुझे लगता है 11 का आंकड़ा बहुत शगुन है। हमारी क्रिकेट की टीम भी 11 लगी, तो मुझे लगता है कि ये जो 11 जो है
ये 11 मुल्कों को बहुत पसंद आएगा। 11 मुल्क आलम भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर और जी गाने को लेके किस कैसे जहन में आया कि हाँ भाई इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट सामने आना चाहिए लोगों को, 11 का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। एल्बम ही बहुत कम बनते हैं और एल्बम का एक दौर था कि काफ़ी एल्बम बनते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो एल्बम कम बनते हैं, मैंने कहा कुछ ऐसा करें कि 11 एल्बम 11 सिंगर, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 11 गाने 11 सिंगर और 11 के 11 एल्बम शूट हुए और जाके आउट ऑफ बॉम्बे शूट किए, जैसे चाइना के बॉर्डर हो गए, इलाहाबाद हो गए, दिल्ली हो गए और मुंबई में, और बहुत ही सभी जितनी टीम थी सभी लोगों का काफ़ी साथ था और बहुत ही अच्छा था सब लोगों ने। सिंगर्स को ढूंढने में कुछ डिफिकल्टीज आई थी आपको? बाकी सब लोग के ऊपर है पब्लिक के ऊपर उनका सवाल है कि सिंगर्स को कैसे कन्विंस किया? 11 सिंगर कन्विंस दिया है, पेमेंट दिया, क्या दिया? 11 सिंगर को क्योंकि ममता जी को मैं जानता था बहुत पहले से, ममता शर्मा, क्योंकि उनके साथ मैं मिमिक्री ऐसे आर्टिस्ट जो शो कर चुका हूँ, कॉस्ट्यूम भी करता था, और इस उनको एक फ़ोन किया मैंने कि ऐसा ऐसा एल्बम है, उस टाइम ममता जी काफ़ी मतलब एल्बम वगैरह गा नहीं रही थी, जिन्होंने मुझे बदनाम हुई फेविकोल वगैरह, तो उनको फ़ोन किया, बोले आलम एल्बम इधर कब गाना है, तो मैं बोला फला फला, बोले आ रहे आ रहे, और सचिन जी को एक बार ही बोला, सचिन जी ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला, मैंने गाने के लिए बोला, शूट के लिए बोला, और बहुत ही अच्छा रिश्ता सचिन जी ने, सिर्फ जा उनको वेडिंग सुनाया तुरंत उन्होंने हाँ बोला और गाया उन्होंने, और शान जी ने भी ऐसे रिश्ता बनाया, सभी अच्छा, सब लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया, और एक खुशी होती है कि वो चीज़ कंप्लीट हो गई और रिलीज हो गई, हमारा कंपनी ने उसको रिलीज किया और सभी लोगों का साथ रहा है। और आगे मैं करना चाहूँगा कि आलम भाई का नेचर इतना अच्छा है, इतने प्यारे इंसान कि कोई इन्हें मना नहीं कर पाता किसी चीज़ के लिए, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर कोई प्यार कर रहा है, हर कोई इनके साथ काम करना चाह रहा है, बड़े काम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बहुत तुम्हारे भाई। सर डिज़ाइन करते म्यूजिक का ख्याल कैसे? म्यूजिक का क्योंकि मैं मोहम्मद अभी था आपका बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ, फैन रहूँगा मोहम्मद अभी साहब जैसा टिकट नहीं, और म्यूजिक में मैं रहमान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, रहमान ए आर रहमान साहब का, रहमान साहब का और ये काफ़ी सॉन्ग जो उनके सुने और सुन के जो एक होता है ना कि इंस्पिरेशन, हाँ लिखने की आ गया, और गुलजार साहब की वेडिंग मुझे बहुत गुलजार साहब जो गुलजार साहब की सोच है चप्पा चप्पा चरखा चले इब्ने बतूता बगल में बतूता, ये सब उनकी जो सोच है एक अलग ही सोच है, तो उनको वो देख के थोड़ा उनके गाने सुने काफ़ी जो कोशिश की है, कोशिश कम है और उसमें सीमा सिंह भोजपुरी का तड़का लगा हुआ है, क्या उसके पीछे कोई विशेष? हिंदी एल्बम में तो सीमा सिंह भोजपुरी का तड़का लगा, लेकिन इससे पहले ये एल्बम दिखा के गोविंदा की फिल्म किया था सीमा सिंह ने, हीरो गोविंदा की, लो आगे हीरो, हाँ, तो इससे पहले उन्होंने काफ़ी हिंदी में काम किया, और सीमा सिंह अच्छी फ्रेंड है मेरी, और परफॉर्मर अच्छी है और डांसर अच्छी है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, क्योंकि 7 ईयर से मैं 750 सॉन्ग उसने आइटम सॉन्ग किया अभी तक किसी ने नहीं। बिजनेस साइड अगर देखने जाओ तो डेफिनेटली आपने पैसे लगाए आलम, कुछ उसका रिटर्न भी देखे होंगे या फिर एक शौक के तौर पर आपने किया, क्या एग्जैक्टली? देखिए जहाँ तक मेरा ऐसा मानना कि दौर तो किसी चीज़ का भी नहीं होता, सारे दर्शक महबूब होते हैं, दर्शक जिसको समझ में आ, दर्शकों की समझ में जो आ जाए, चाहे वो एल्बम हो डांस हो, दर्शक दौर बना, वैसे किसी का दौर नहीं होता। तो राजेश खन्ना साहब के अंदाज में कहना चाहूँगा कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें इस दुनिया में कुछ रहता नहीं, इज्जतें शोहरतें उल्फतें इस दुनिया में कोई रहता नहीं, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी। फर्स्ट एल्बम मैंने पहला एल्बम जो मैंने सॉन्ग जो मैंने लिखा था जावेद अली का, तू जिंदगी है मेरी, जावेद भाई को सुनाया, जावेद अली साहब को बहुत पसंद आया, और फिर जब पहले गाने अच्छे बने तो काफ़ी लोगों ने तारीफ की कि अच्छा लिखते हो, मतलब सब अच्छे से हुआ,
तो फिर उसके बाद दूसरे गाने की कोशिश किया तो करते करते 11 गाने हो गए, जैसे गोल की डेली हूँ, ममता शर्मा वगैरह, जितेंद्र निरोला है, सतबीर कुमार साहब हैं, सचिन पिलगांवकर हैं, शान जी हैं, मोहम्मद सलामत है, रफीक राजा हैं, सभी लोगों को एक ही गाना। और ये कॉन्सेप्ट रखा था कि एक सिंगर से का एक ही गाना रखा, तो इसके लिए 11 सिंगर और 11 गाने। लेकिन सर सिंगर यहाँ पे एक भी नहीं मौजूद है देखा जाए तो फिर उसका क्या कहना है आपका, सिंगर क्यों नहीं है, ना ही आपकी कोई एक्ट्रेस नजर आए, ना सीमा सिंह है यहाँ पे, सेलेब्स में भी कमी है, सीमा सिंह पीछे क्या रीजन है? सीमा सिंह के बारे में मैं बता देता हूँ, उनके फादर को अटैक आया है, वो आने वाली थी, उनके फादर को अटैक आया है, उसने मुझे फ़ोन करके बोला, और दो तीन दिन से काफ़ी वो प्रॉब्लम में परेशान है सीमा सिंह, और इसीलिए वो नहीं आ पाए। और जावेद अली साहब रहमान साहब के साथ यूके गए हैं, ए आर रहमान साहब के साथ, और ममता शर्मा भी यूके गई हैं शूट करने के लिए, उनके प्रोडक्शन वगैरह है, और सबीर साहब कलकत्ता में शो के लिए गए हैं, और साधना जी भी कलकत्ता में शो के लिए गई हैं। अब टाइम ऐसा था, 15 अगस्त का टाइम था, और सब 16 अगस्त सब सब आउट ऑफ बॉम्बे होते हैं, आउट ऑफ केसर होते हैं, आउट ऑफ इंडिया होते हैं, तो इसी वजह से भले वो 11 सिंगर नहीं आए लेकिन 11 सिंगर्स की आवाज़ है हमारे बीच में। नवीन शुरू हो जाए जी, हमारे आदरणीय कोई कविताएं हो सुनील जी तो जो उनके आदरणीय अटल जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और काफ़ी साहित्यकारों के और अच्छे विचारों के प्रेरणा स्रोत, अटल जो है मृत्यु है, मुझे लगता है कि वो दुनिया में हमेशा अटल रहेंगे, यही सेटल रहेंगे, वो कहीं अगर शारीरिक रूप से गए भी हैं तो वो सिर्फ रिन्यू होने गए, फिर से वापस आएंगे, अपने विचारों को लेकर आएंगे, अपने कविताओं को लेकर आएंगे, अपने साहित्य को लेकर आएंगे, और फिर से वही भूचाल मचाएंगे। फिलहाल इस बात का दुख तो है कि बीजेपी के पिता और भारत माँ के पुत्र शारीरिक रूप से हमें छोड़कर गए, लेकिन दोबारा फिर वापस आएंगे। इसी अंदाज में कहता हूँ कि हर शख्स अपने गम में खोया है, अटल जी के अंदाज में कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो उनके रेलवे क्रियाज भी फैन हैं, और हम अपना हमारा अंदाज है, हमारी श्रद्धांजलि है। फिर एक बार कहना चाहूँगा, कहीं गए नहीं, अमर है, हर शख्स अपने गम में खोया है, हाय मानो, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं है वो कब्र में सो रहा है। तो इस दुनिया में हर किसी के पास गम है, हर किसी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन अटल जी दोबारा ज़रूर वापस आएंगे, वो हमेशा अमर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद अटल जी, आप हमेशा हमारे बीच ही हो, हमारे भी लव यू। महमूद जी अटल जी प्रेरणा दिए लोगों को, और बड़े रहे हैं, बड़े बड़े ही होते हैं, और हम तो बहुत छोटे लोग हैं उनके बारे में वो कहने के लिए भी, अलबत्ता ये कि चूँकि हम भी नागरिक हैं, हम यहाँ के वतनी हैं, और हमें उनसे जितना प्यार है वो महसूस किया जा सकता है, ज़बान पर लाकर उसकी कोई मकदार कम करना मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि इतने बड़े आदमी के लिए मुझे से नाचीज़ का बोलना शायद मज़ा नहीं आएगा मुझे बोलने में, वो बात बने भी नहीं जो जितनी बड़ी शख्सियत वो हैं, तो दुख की बात है। जैसे भाई ने कहा कि मौत बरहक है, कल हमारा भी वक्त आएगा ऐसा, लेकिन शायद हमें इतना याद नहीं करें लोग जितना अटल जी को याद करेंगे। नवीन भाई आप क्या कहना चाहेंगे अटल जी के इस सामने आके सुनील जी के साथ? हमारे सार्वभौम हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 93 साल के आयु में सारा का सारा जीवन उन्होंने हिंदुस्तान को कुर्बान कर दिया, और सही मायने में उन्होंने स्वतंत्रता को अपने आंखों से देखा, अपने जीवन को सींचा है। तो मेरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे प्रभावी और आज के हमारे अभावी अटल जी आज हमारे बीच नहीं है, इसका हमें पूरा पूरा खेद है, और हम बहुत सारे कलाकार मिल के उनके उनके नाम पर उनके सेक्रीफाइस पर हम मौन रखना चाहते थे, लेकिन कई लोगों के SMS और मैसेजेस हमको आए कि यार इस वक्त में हम लोग सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन हमारे आलम भाई का प्यार है, सारे कलाकारों ने एक SMS तो उनको कर दिया, और चाहे हम देखो रीजंस हम भले कितने ही बताएं लेकिन चीज़ें तो हमारे सामने हैं, तो हम सेलिब्रेशन नहीं, हम उनको विशेष करने आए हैं, और हमारी सारी खुशियां इनके साथ है, और देश के सार्वभौम भूतपूर्व प्रधानमंत्री आज हमारे बीच नहीं रहे, उसका हमें दिल से थैंक यू सो मच।
हमारी यही दुआ होती है कि सबको कहीं ना कहीं अल्लाह नवाजे और जो भी उनका फन है वो फन में आगे बढ़े और उसमें कामयाब हो। तो हमारी दिल से मतलब मुबारकबाद के साथ साथ एक दुआ भी है और उससे ज्यादा आप कुछ दे नहीं सकते। और जो भी फनकार जुड़े हुए हैं आपके लेवल से और ब्रांड से, हमें यही है कि आगे बढ़े और आपका ब्रांड भी सक्सेसफुल और आपके आगे भी सक्सेसफुल। क्या कहूँ कि बहुत बहुत मुबारक आपको आलम भाई और आपका ये जो कदम है ये काम है बहुत हाँ सब लाइट दो चालू मत करो अच्छा काम अंधेरे में मैं दिखता नहीं हूँ। अरे ज्यादा हो गया लाइट क्वालिटी लाइट जावेद भाई हमारे बीच में है अभी तुम बोरा बोरा हो रहे थे सॉरी बोर हो रहे थे बोरा बोरा मत बोलो बोरा बोरा बोर अरे लाइट दो ना यार बोले नावेद भाई जी आपका स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने से लाइट और बढ़ गया है बिल्कुल रिफ्लेक्शन मिल रहा है ओके रेडी है अरे सर साइलेंस जावेद जी आपने काफी डांस देखा है काफी गाना देखा है ये जो 11 गाना लॉन्च हुआ है क्या कहना चाहेंगे एक साथ 11 गाने लॉन्च किए एक नई बात है एक करके लोग लॉन्च करते हैं बट आई थिंक एक वैरायटी एक साथ एक पैकेज में प्रेजेंट की है तो पब्लिक के लिए भी बोला है कि एक पर्टिकुलर लेवल से ये वैरायटीज मिलती हैं क्लेवर एक जो कहते हैं वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी कहेंगे आपके भाई हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आप किस किस्म का म्यूजिक देते हैं बनस्बत ये कि आप एक लॉन्च करें फिर दूसरा करें आजकल पब्लिक का टाइम नहीं जो मिट्टू ने बहुत पहले बोला पब्लिक के पास टाइम नहीं और 11 गाने एक साथ में किए बाद में वो 11 पार्टी देने पड़ती अलग अलग करके एक साथ में ये आप ये जो खर्च की बात नहीं आप बहुत सही बात है दुखती रख में प्रोड्यूसर के हाथ डाल दिया अच्छी बात है सारे गाने क्या है कि जावेद भाई ने बोला कि लोगों के पास टाइम नहीं है एक बार साथ 11 एक बार एक साथ में सुन लो और उसमें चूज कर लो क्या अच्छा है जिसको जो पसंद है वो सुने 11 की टीम भी अच्छी है टीम होती है 11 प्लेयर होते हैं सर अगर बात करें तो डांसिंग की तो डांसिंग में हमको चॉइस करना पड़ता है 11 गाने तो क्या चॉइस करेंगे जो अच्छा है वही चॉइस करेंगे ना हमारी चॉइस अलग है उनकी चॉइस अलग है किसी कुछ चॉइस है किसी कुछ चॉइस है बस आप रेस्टोरेंट में जाते हो एक मेन्यू आता है उसके इतने खाने होते हैं आप बोलोगे सर आप क्या चूज करोगे जिसकी जो पसंद है उसकी चूज करें लेकिन एक मेन्यू तो है यहाँ पे इनके पास एक मेन्यू है तो जिसकी जो पसंद है आप चलेगा जिस मूड में आपके पास रोमांटिक मूड है डांस का मूड है जब से देखा जाए तो जो अभी की जो यंग जनरेशन है उनके म्यूजिक के बारे में क्या कहना है आपका उनको टैलेंटेड निकल रही है नहीं टैलेंट तो क्योंकि यार हर सदी में हर जनरेशन में टैलेंट होता है चेंज हो जाता है आपको जो पसंद है आज वो कल आपके बच्चे कुछ करेंगे वो आप बोलेंगे यार ये क्या सुन रहे हो तो ये तो वही चलता आ रहा है सदियों से कि आपकी ये पसंद है फिर कल उसकी पसंद है एंड वी हैव टू अडैप्ट जो कहते हैं री इन्वेंट करें अपने आप के साथ में चले आपके जमाने के साथ में चले बाकी जमाने के साथ चलना जरूरी होता है हाँ गंदगी ना हो लिरिक्स की खास ज़्यादातर होती है और एक म्यूज़िक में और हमारा कल्चर में बहुत रिच है हमारा म्यूज़िक क्योंकि मेलोडी है इंडियन कल्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग मेलोडी और उसका इस्तेमाल क्लासिकल बैकग्राउंड होता है हमारे यहाँ तो बहुत फ़ायदा होता है उसमें जो बनस्बत है कि आप ऐसे आ गए हो कि मजा गया बट आई थिंक बैकग्राउंड रखना ट्रेनिंग रखना बहुत फर्क पड़ता है यार पुराने गाने क्लासिक थे अब आप एक आई थिंक फ्रॉम द 60s टू द 80s गोल्डन एरा समझ म्यूजिक का और वो गाने अब घुमा फिरा के रीपैकेज करके रीमिक्स करके किए जा रहे हैं तो आपको सर कैसा लगता है अभी बदन पे सितारे शम्मी कपूर का गाना कोई रीमिक्स हुआ एक फिल्म में कैसा लगा हर फिल्म में रीमिक्स हो रहा है आजकल फिल्मों का वो अच्छी आज की आवाज में वो धुन सुनना चाहते हैं आज के कॉम्पोजिशन को पैकेजिंग लेकिन उसका असली
एक अच्छा बैलेंस संतुलन पॉलिटिक्स में बना के रखा था उन्होंने कि आई थिंक एक बड़ा लॉस है इंडियन पॉलिटिकल सीन को, काफी बड़ा लॉस हुआ है इंडियन कल्चर के लिए हमेशा उन्होंने एक आवाज रुकना यार और हमारे भी रह चुके हैं आज जो हो रहा है क्या कहूँ उसके बारे में, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया और एक बहुत बहुत बड़ा लॉस। अटल जी ने हमेशा जोड़ने की बातें की थी, जितना आपने देखा होगा जब वो उनका टर्म था तो हमेशा जोड़ने की बातें करते थे, तोड़ने की बातें नहीं करते थे। इवन पाकिस्तान से रिश्ते की उन्होंने बहुत कोशिश की थी एंड वो काबिल तारीफ है उनके लिए। जावेद जी इंडियन कल्चर को हमेशा बरकरार रखा है इंडियन जो अटल जी ने, अभी तक तो कोई पार्टी में ऐसा कोई है पॉलिटिकल बना दिया आपने यार, इधर हम गाने कोई ऐसा है लीडर, कोई लीडर आपकी नजर में कोई लीडर है आपकी नजर में? मैंने कहा देखिए अच्छा देखिए कोई भी चाहे वो कलाकार हो या पॉलिटिकल जिसने देश की खिदमत की है अपनी तरफ से और अच्छा बनाने की कोशिश की है देश को, उन भावनाओं का हमको वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड आई थिंक वो एक लॉस डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू, सो वी हैव नाउ द टाइम फॉर सरकार थी कौन सा मोमेंट था, आपने तो काफी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, कौन सा मोमेंट था जिसको हम उनको याद कर सकते हैं? बस याद है मुझे, बस की थी उन्होंने और किसी के बस की बात नहीं थी, वो उनके बस की बात थी, वो बस जो चलाई थी उन्होंने बहुत ही कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश, प्यार की कोशिश। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाई साथ में मिलके चलो, जो साथ में लेके चले वो अच्छा है, थोड़े बस के चलते बाहर से कुछ सिंगर यहाँ पर आए थे, डांसर आए थे, अच्छे शायर भी थे, शायर बाहर से कुछ लोग आए टैलेंट के लिए, कहीं से भी आओ यार, हिंदुस्तान तो ऐसा देश मुल्क रहा है सब लोग बाहर से आए, कौन किधर का यार? आप बोले 500 साल पहले वो आया था, नहीं बस के बात करें जो बस के जरिए ना, तो मैंने कहा ना देखिए कलाकार एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है बिकॉज टैलेंट की कोई सीमाएं नहीं बनानी, पॉलिटिकल सीमा नहीं होती है, टैलेंट कहीं भी चला जाता है, टैलेंट प्यार से आता है, टैलेंट एक अलग एक उसकी कंट्री अलग होती है, उसकी दुनिया ही अलग है, टैलेंट की कोई वो दरारें नहीं होती कि मेरा ये तेरा ये तेरा, सब मिलके आई थिंक वो ही खूबसूरती और ब्यूटी होती है टैलेंट की, कि वो मिलजुल के ये जो आवाज़ और साउंड निकलता है। देखिए हमने रफी साहब को प्यार किया, किशोर साहब को प्यार किया, आज के नए सिंगर उनको प्यार किया, हमने माइकल जैक्सन को प्यार किया, हमने मडोना को प्यार किया, हमने वहाँ के सिंगर, दुनिया के कितने सिंगर हैं आज डीजे आ रहे हैं, वो अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं, आज के बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं, तो ये टैलेंट है, इसको आप रोक नहीं सकते, आवाज़ आएगी, आज इंटरनेट आ गया है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, जो पसंद है वो पसंद। थैंक यू सर, थैंक यू।